नमस्कार बच्चों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह व्यास में। मैं अनूप सिंह व्यास आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्लास टेंथ के लिए अम्ल क्षार और लवण के बारे में हमने बात करी थी। तो अम्ल क्षार लवण के बारे में बात करते हुए हमने काफ़ी पॉइंट्स हमने देखे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होता है और लवण क्या होते हैं। आज अम्ल के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि अम्ल होते क्या हैं, इनसे हमारे को बेनिफिट क्या है। अगर हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अम्ल से ऐसा क्या बेनिफिट है जिसकी वजह से हम उसके बारे में इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल के बारे में बात करूं तो अम्ल के बारे में जैसे मैंने बताया था, तो अम्ल कहां से लिया गया है, एक लेटिन शब्द है एसिडस। एसिडस से अम्ल लिया गया है। एसिडस का मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब होता है स्वाद में खट्टा होना। तो एसिडस की वजह से ही अम्ल को भी एसिड बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो एसिडस की वजह से अब अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, खट्टा। ठीक है, तो इसी वजह से हम एसिड को भी क्या बोलेंगे, खट्टे प्रकार के तत्व होते हैं। तो हम अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, जिसमें हम बात करें, विस्थापनशील हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। या मैथिल ऑरेंज है, मैथिल ऑरेंज को हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाल कर देते हैं। मैथिल ऑरेंज को भी, मैथिल ऑरेंज का कलर भी ये लाल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या होंगे? अम्ल होंगे। अब अम्ल के अंदर हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रकार बहुत आसान है। देखिए, अम्ल के प्रकार यहाँ आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होंगे। कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। पहला है हमारे पास में अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल बोल सकते हैं या खनिज अम्ल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं बताऊंगा आगे, ध्यान से देखिएगा। अकार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल, दूसरा अकार्बनिक अम्ल हो गया, तीसरा हाइड्रा अम्ल, कौन सा? हाइड्रा अम्ल। चौथा हमारे पास है ऑक्सी अम्ल, कौन सा है? ऑक्सी अम्ल। पांचवा इसमें है प्रबल अम्ल, छठा दुर्बल अम्ल, सातवा तनु अम्ल और आठवा सांद्र अम्ल। तो ये हमारे पास हुए अम्लों के टाइप। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। अकार्बनिक अम्ल, इसको हमने खनिज अम्ल क्यों बोला? क्योंकि अकार्बनिक अम्ल खनिजों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अकार्बनिक अम्ल खनिजों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। दूसरा, अब इसके बाद में हमारे पास है कार्बनिक अम्ल, ये पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अकार्बनिक अम्ल जो खनिज अम्ल थे उनमें हमारे पास कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ कार्बनिक अम्ल है, इनमें कौन कौन से हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं? इन्हें दुर्बल अम्ल भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इनमें कौन कौन से हमारे पास पॉइंट आएंगे? इसमें पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें आएगा ऑक्सैलिक अम्ल आएगा, दूसरा हमारे पास में लैक्टिक अम्ल भी इसी में आता है, जो हमारे दही में दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, वो इसी में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में यूरिक अम्ल जो होगा वो जीव जंतुओं से ही पाया जाता है, तो वो क्या हुआ? कार्बनिक अम्ल हुआ। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए। अब हम बढ़ते हैं हाइड्रा अम्ल के बारे में। तो हाइड्रा अम्ल में क्या होता है कि इन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, इन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वो क्या होंगे हमारे पास में? हाइड्रा अम्ल होंगे। इसके साथ ही साथ में इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या हाइड्रोसाइनिक अम्ल होगा। ये तीनों एग्जांपल इसी के हैं, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में क्या होगा? इन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, इन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। ये हो गया ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा, कहीं भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल भी होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का हमारे पास क्या है? H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास हुआ ये ऑक्सी अम्ल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की।
प्रबल अम्ल में क्या होता है, ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। प्रबल अम्ल क्या होंगे, जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, यह अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, आंशिक रूप से आयनित होंगे। अब प्रबल अम्ल के लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दुर्बल अम्ल में हमारे पास कौन सा होगा, एसिटिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल जो हमारे पास होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हुआ, ये दुर्बल अम्ल के टाइप हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं तनु अम्ल की, तनु अम्ल कौन से होते हैं, ये जलीय विलयन में मतलब इनके जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब ये क्या होते हैं, दुर्बल मतलब जो हमारे पास में तनु अम्ल होगा तो जलीय विलयन में जो अम्ल की सांद्रता होगी वो कम होगी, अम्ल का अमाउंट कम होगा, जल का ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, तनु अम्ल। इसी तरह से हमारे पास में अगर सांद्र अम्ल की बात करूँ तो सांद्र अम्ल कौन से होंगे, इनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यानी अम्ल की सांद्रता, सांद्रता अम्ल की मात्रा को ही बोलेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कितना कितनी मात्रा उसकी पाई जाती है जलीय विलयन में, तो वो उसकी सांद्रता हुई। तो यहाँ पर सांद्र अम्ल में क्या होगा कि जो उसकी सांद्रता है वो अधिक होती है, किसकी, अम्ल की सांद्रता जल में अधिक होती है, तो वो क्या होंगे, सांद्र अम्ल कहलाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि अम्लों के गुणधर्म क्या हैं। अम्लों के गुणधर्म में हम इनके रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे विभिन्न तत्वों से, जैसे कि पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, धातु का जो संगत लवण बनेगा वो और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस, इन दो का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी अम्ल प्लस धातु हमें क्या देगा, जो लवण होगा और हाइड्रोजन गैस, तो ये दो चीज़ें होंगी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे को तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला होगा हमारे पास में लवण, वो बनेगा ही, ठीक है, श्योर है। दूसरा होगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो तीसरा हमारे पास पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में जल। मतलब तीन चीज़ें बनेंगी, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होंगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब हम बात करें अम्ल की और मतलब तीसरे पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाएंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है, पूरी तरह से उदासीन होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके आगे की बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या होगा, आगे हम बात करें धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल की, जब धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर हमारे को लवण और जल प्राप्त होता है। याद रखिए, धातु ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो धातु और अम्ल की धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारक ऑक्साइड का काम करते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइडों की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उदासीनीकरण की तरह ही काम कर रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास में जो कुछ अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये इनका क्या होगा कि ये जल में घुले जाने के बाद में ये क्या होता है, विद्युत के अच्छे चालक की तरह कार्य करते हैं, यानी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का
सुचालक होता है, ठीक है। इसके आगे और देखें तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम जल में घोलेंगे, अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो ये या तो हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब आप बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन क्यों? देखिए, हाइड्रोजन आयन जब ये देते हैं तो कई बार हाइड्रोजन आयन हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन आयन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा और उसके बाद बनाएगा हाइड्रोनियम। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी H3O+ बनाएगा, यानी H+ जब H2O से रिएक्ट करेगा H3O+ बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन के बारे में। इसके बाद में और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? अल्कोहल से। और अल्कोहल से अभिक्रिया करवाने के बाद में ये क्या क्या बनाएगा? दो चीज़ें बनाएगा, एक तो होगा एस्टर और दूसरा होगा जल। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी और आपकी क्लास के एग्ज़ाम्स में भी कि एस्टरीकरण क्या होता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे एस्टरीकरण, ठीक है, क्योंकि एस्टर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ गुण हुए, कुछ गुणधर्म हुए किसके? अम्ल के बारे में। तो यहाँ तक आप अच्छे से देखिएगा, अम्लों के गुणधर्म हमने देख लिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अम्ल से ही रिलेटेड, अम्ल के जो भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं उन सभी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसी चैनल पर बने रहें, अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप बेझिझक यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों को अभी इस चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी बोलें कि वो कंटिन्यू अब अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली मैथ्स और साइंस दोनों के वीडियो डाल रहे हैं। एक दिन मैथ्स का तो दूसरे दिन साइंस का वीडियो डलता है। इसी तरह से आपके कंटिन्यू जो वीडियोज़ हैं वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में सबकी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं चल पा रही है। तो हम इस चीज़ का को ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडीज़ को प्रॉपर बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।